हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा एचएचएस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से एनालाइज करके और जो मेन हेडिंग्स है जो कि आने के चांसेस होते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से आएंगे। पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी गुजरात से शुरू हुई हरित पगयात्रा। चार राज्य 28 जिले में 1600 किलोमीटर तय कर पहुंचेंगी पद यात्रा कुरुक्षेत्र। हरित सत्याग्रह संस्था द्वारा ग्लोबल ग्रीन पीस मिशन के तहत गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र से शुरू हुई 100 दिवसीय 5 करोड़ हरित पग यात्रा का समापन समारोह विश्व विनायकी दिवस पर 21 मार्च को कुरुक्षेत्र में होगा। हरित सत्याग्रह संस्था के हरियाणा प्रभारी पृथ्वी सिंह बैनीवाल ने बताया कि यह 10वीं हरित पदयात्रा ग्रीन मैन विजयपाल बघेल के नेतृत्व में चार राज्यों के 28 जिलों से गुजरकर 21 मार्च को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्वदेशी सुरक्षा। आयुष यूनिवर्सिटी में कोरोना से बचाव पर चर्चा हो रही थी और स्वदेशी स्वास्थ्य सुरक्षा मंच ने उठाई जन जागरण की आवाज़। प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी समितियाँ और विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूकता लानी ज़रूरी है। यह वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है अपितु बचाव के लिए सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसे कार्य को सभी को मिलकर करना होगा और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी करना होगा। वे गुरुवार देर साय श्री कृष्ण आयु विश्वविद्यालय के सभागार में स्वदेशी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसमें पहले विधायक सुभाष सुधा, डीसी धीरेंद्र खड़गड़ा और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर बालदेव धीमान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, पूर्व कुलपति ओम प्रकाश, डॉक्टर सोमनाथ, डॉक्टर जटियान, डॉक्टर आशीष मेहता, विजय नरूला, सतीश कुमार, प्रीतम सिंह, उपेंद्र सिंघल ने स्वदेशी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। इसके बाद अगली जो लेटेस्ट हेडिंग है वो है 30 गांव में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके और 57 जानों में से 50 जाने 157 करोड़ 70 लाख में बिकी। जिले में शराब ठेके अलॉट कर दिए गए और 57 जनों में 50 जनों पर बोली लगाई है। इन 50 जनों को रिजर्व प्राइस 129 करोड़ 80 लाख रुपए रखा और बोली पर यह जाने 157 करोड़ 70 लाख रुपए गए। जिले में सबसे महंगा जोन जो है वो 43 बरसत कोहन 8 करोड़ और 64 लाख और 81,000 रुपए में गया। ऑनलाइन नीलामियों में एडीसी अनीश यादव और एक्साइज डायटीसी अनुरुद्ध शर्मा, सेल्स डायटीसी संदीप दिहाया
दहिया और रोहतक रोहताश रहे। जिले भर के ठेकेदार और उनके सहयोगी बोली स्थान पर पहुँचे। सबसे ज़्यादा जाने जोन बंसी लाल पार्टी पर गए हैं। सुरक्षा को दृष्टि से पुलिस तैनात रही। इसके बाद जो हेडिंग है वो है बेरी मंदिर के बारे में। बेरी मंदिर के कपाट बंद, राम नवमी शोभा यात्रा स्थगित। कोरोना वायरस से बचने के लिए विश्व प्रसिद्ध माँ भीमेश्वर देवी शक्तिपीठ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। आगामी आदेशों तक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिन आज, फिर नहीं मिलेगा मौका। नियम 134A के जरिए निजी स्कूल में फ्री दाखिला लेने की ऑनलाइन आवेदन के लिए आज अंतिम दिवस है। इसके बाद कोई भी अभिभावक पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकता। 20 मार्च तक ही अभिभावकों को नियम 134A की जरिए स्कूल में निशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया में अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 25 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बता दे कि नियम विभाग ने फॉर्म में गलती सुधारने का मौका दिया। सतीश शर्मा ने बताया कि अब विभाग ने फॉर्म में गलती सुधारने का भी पोर्टल पर मौका दिया है। इस बार 10 स्कूल ही विद्यार्थी अपने ब्लॉक में भर सकता है, जबकि 5 स्कूल दूसरे ब्लॉक के भरने होंगे। पिछले साल 15 स्कूल अपने ब्लॉक के विद्यार्थी पर भर सकता था। 20 मार्च तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा में शपथ ली। विपक्ष का वॉकआउट, गोगोई बोले वो जल्द मेरा स्वागत करेंगे। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्यों के रूप में अंग्रेजी में शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई। गोगोई जैसे ही शपथ लेने पहुँचे तो विपक्षी सांसदों ने शर्म करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। और ये थी कुछ इंटरेस्टिंग हेडिंग्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बेसिस पर एनालिसिस, और ये करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोस हम यूट्यूब पर डालते रहते हैं और अपडेट्स रेगुलर देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल कुशमांडा SHS Academy को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो डेली आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या फिर हमारे क्लासरूम कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।